नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे किसी इंसान की खाने की आदत से कैसे पता चलेगा कि उसका कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह ताकतवर है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, किसी इंसान की खाने की आदत से कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह ताकतवर है। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति में जिस ग्रह की ताकत ज़्यादा होती है, तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारे के सारे ग्रह किसी न किसी चीज़ से संबंधित होते हैं। तो जिस किसी व्यक्ति में जिस ग्रह की ताकत ज़्यादा होती है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा ताकत वाले ग्रह से संबंधित चीज़ का इस्तेमाल करने का आदि नहीं होता। मतलब जिस व्यक्ति में जिस भी ग्रह की ताकत ज़्यादा होती है, तो वो व्यक्ति उस ज़्यादा ताकत वाले ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल करने का आदि नहीं होता, उसको उसका इस्तेमाल करने की आदत नहीं होती। अब इसमें पंडित जी ने दोस्तों एक एग्जांपल दिया है कि सूरज को नमक माना है, सफ़ेद नमक। लाल किताब में सूरज को सफ़ेद नमक माना गया है और मंगल को मीठा माना गया है। तो दोस्तों, अब जिसका सूरज ताकतवर है, तो उस व्यक्ति की एक आदत होगी कि वो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि नमक सूरज है तो और उसमें सूरज की ताकत ज़्यादा है। तो उस व्यक्ति की ये आदत होगी कि वो सूरज से संबंधित चीज़, मतलब नमक का इस्तेमाल करने का आदि नहीं होगा। और उसके अंदर जो कमी है, अब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का मंगल कमज़ोर है तो मंगल को मीठा माना गया है, तो वो और उस व्यक्ति का मंगल कमज़ोर है, तो वो व्यक्ति अपनी मंगल की कमी को पूरा करने के लिए मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करने का आदि होगा, मतलब वो ज़्यादा मीठा खाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह ही जिस व्यक्ति का मंगल कायम है और ताकतवर है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा मीठा इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब वो मीठी चीज़ें बहुत कम खाएगा और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, या नमक को ज़्यादा मात्रा में खाने वाला होगा। तो इस तरीके से दोस्तों, ये पता चलता है कि किस व्यक्ति का कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह ताकतवर है। अब जैसे दोस्तों, दूध क्या है? दूध चंद्रमा है, और जैसे लाल किताब में बताया गया है, नमक सूरज है, मीठा मंगल है, दूध चंद्रमा है, दही शुक्र है, घी शुक्र है, इस तरह से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी नियम के आधार पर हर ग्रह की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।